जहां 1 अप्रैल 2020 तक हमारी सेना गश्त करती थी, क्या आज गश्त कर पा रही है? क्या चाइना अंदर आकर के वहां से वापस नहीं जा रहा? ये हकीकत है। ये सवाल देश की जनता की तरफ से हम पूछ रहे हैं, देश की जनता जानना चाहती है। हम देश की सेना, देश की सरकार के साथ खड़े हैं, विरोधी ताकतों के साथ, लेकिन चाइना बार बार कभी डोकलाम, कभी गलवान घाटी, कभी पियोंगयांग एसओ और इस तरह की हरकतें करता जा रहा है। और जहां आगे बढ़ करके जहां गश्त होती थी, अगर वहां पे जिस तरह से मीडिया में डिफेंस एक्सपर्ट्स, सबका जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, लोकल्स के वहां के वीडियोस और इस तरह के बयान आते हैं, और जो हम कहते आए कि हमारी सरकार, हमारे जो डायलॉग चल रहा है उसमें ये कहा गया कि स्टेटस को एंटी बहाल किया जाए। फिर वो स्टेटस को एंटी क्या है? इसका मतलब यह है कि चाइना ने उस स्टेटस को, जो स्थिति थी, उसको बदला और उसमें दखलंदाजी की। हमारे वीर सैनिक शहीद हुए हैं, इसलिए पूरा देश जहाँ शोक में है वहाँ सैनिकों पे फख्र और गर्व महसूस करता है। उनकी वीरता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता, लेकिन देश की पॉलिटिकल अथॉरिटी को ये बताना चाहिए और पूरा देश एकजुट है, लेकिन हम सब मिलकर के एक तो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इन बातों का, सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। थैंक यू।